दुनिया के चार बड़े मेडिकल शोध संस्थानों ने दावा किया है कि वर्तमान में लग रही कोरोना वैक्सीन नए कोरोना वायरस के कुछ वेरिएंट पर बेअसर है या इनका असर कम होगा। ये संस्थान है रैगन इंस्टीट्यूट ऑफ MGH, MIT, हार्वर्ड और मैसाचुसेट जनरल हॉस्पिटल। इनके वैज्ञानिकों का दावा है कि वर्तमान में लग रही कोरोना वैक्सीन से कुछ नए कोरोना वायरस पर कम असर होगा। ये नए कोरोना वायरस वैक्सीन से विकसित एंटीबॉडी और इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को धोखा दे सकते हैं। जो नए कोरोना वायरस से मिले हैं वो कैलिफोर्निया, डेनमार्क, यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और जापान में मिले हैं। ये स्टडी हाल ही में सेल में प्रकाशित हुई है। रैगन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता एलेजांद्रो वालास ने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन ब्राजील, जापान और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर कम असरदार है। एलेजांद्रो ने बताया कि हम HIV न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का अध्ययन कर रहे थे, तभी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में ख्याल आया, फिर हमने ये स्टडी की। एलेजांद्रो वालास हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने बताया, जब हमने इस नए कोरोना स्ट्रेन की जांच वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी वैक्सीन लगने के बाद विकसित हुई एंटीबॉडी से करवाई तो हैरतअंगेज और डराने वाले नतीजे सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में मिला स्ट्रेन पुराने कोरोना वायरस की तुलना में वर्तमान वैक्सीन से बचने में 20 से 40 गुना ज्यादा क्षमतावान है। वहीं ब्राजील और जापान में मिले दो नए स्ट्रेन वर्तमान वैक्सीन से बचने में 5 से 7 गुना ज्यादा क्षमतावान है, जबकि 2019 में आया कोरोना वायरस कोविड-19 इन वैक्सीन से निष्क्रिय हो रहा है। यानी म्यूटेशन के बाद विकसित हुए नए वायरस पर फिलहाल दी जा रही वैक्सीन का असर कम हो रहा है। यानी अगर इनसे संक्रमित शख्स को वैक्सीन दी भी जाए तो उसे ज्यादा लाभ नहीं होगा। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।